वेलकम टू माई कार माई ड्रीम। मेरा नाम है उमर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉयोटा फॉर्च्यूनर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी कि उमर भाई फॉर्च्यूनर दिखाओ, तो लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए ब्लैक कलर में टॉयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि सीरियसली बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले आप इसकी लाइट्स देखोगे तो ऐसी कुछ होती है इसकी लाइट्स, प्रोजेक्टर लैम्प्स विथ DRL, नीचे की तरफ फॉग लाइट का ऑप्शन। और इसकी अगर पूरी फ्रंट प्रोफाइल देखोगे, सबसे पहली चीज़ अगर आप मुझसे कंपेयर करोगे कि हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट इसमें आपको देखने को मिलती है SUV, और बहुत ही गजब कंडीशन में क्रोम ग्रिल यहाँ पर देखने को मिलती है। ले चलो अगर साइड प्रोफाइल की तरफ, तो कंपनी फिटेड स्टॉक अलॉयज विथ ब्रांड न्यू टायर्स। ऊपर की तरफ ऑटो फोल्ड साइड मिरर विथ टर्न इंडिकेटर। और इसकी भी अगर आप पूरी साइड प्रोफाइल देखोगे तो बिल्कुल ही चमचमाती हुई नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। और इसकी लेंथ भी दूसरे कार के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। ले चलो अभी बैक साइड पे, तो ऐसी कुछ है बैक साइड की लाइट्स, सच में बहुत ही गजब की लगती है ये LED लाइट्स। और नीचे की तरफ थोड़ी बहुत क्रोम फिनिश। नीचे की तरफ चार पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। एक बार आपको उस साइड से भी दिखा देता हूँ, तो ऐसे कुछ है इस साइड से भी बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में देख सकते हो आप। तो चलिए यहीं से आपको इसकी बूट एक्सेस करके दिखा देता हूँ। तो ऐसे कुछ होती है इसकी बूट स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक बूट इसमें आपको देखने को मिलती है, एक ही बटन प्रेस करते ही खुल जाएगी। और अंदर की तरफ काफ़ी अच्छी स्टोरेज देखने को मिलती है। 7-सीटर होती है कार, पीछे की तरफ भी 2 लोग आराम से कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं। और यहाँ पर एक बटन से ही ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगी। तो ऐसी कुछ है ये कार बाहर से। तो चलिए चलते हैं अब अंदर, अंदर से आपको इसकी डिटेल बता दो। आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, लेफ्ट डोर से स्टार्ट करूँगा। ऐसी कुछ है इसकी लेफ्ट डोर की कंडीशन, ब्राउन एंड ब्लैक फिनिश में इसका आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ कंपनी फिटेड स्पीकर और ग्लोव बॉक्स की अगर बात करूँ तो डिसेंट सी स्टोरेज इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अब आपको इसका सेंटर कंसोल दिखा दो, तो इसका कुछ इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन, यहाँ पर टाइम लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन, 2 AC विंड्स देखने को मिलते हैं नीचे की तरफ, ये पूरी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। अब आपको इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी दिखाता हूँ, तो ऐसा कुछ इसका रिवर्स कैमरा। अभी जैसे कि रात हो चुकी है फिर भी बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है कैमरा। थोड़ा से नीचे 4-जोन क्लाइमेट्रॉनिक AC का ऑप्शन, नीचे की तरफ ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए बटन देखने को मिलती है, यहाँ पर एक USB की कनेक्टिविटी और 12-वोल्ट चार्जिंग की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर इसका एक रिमोट देखने को मिलता है, जिससे कि आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो डायरेक्टली। और थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो यहाँ पर एक स्टोरेज जिसमें 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा पीछे और आओगे तो ये है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन PR&DS स्पोर्ट्स मोड के साथ, क्योंकि इसमें आता है पेडल शिफ्टर्स। थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो इसमें 2 मोड्स आपको और देखने को मिलते हैं, एक होता है इको मोड, एक होता है पावर मोड। और जैसे ही मैं इस कार को पावर मोड पे कर देता हूँ तो ये कार का स्टेयरिंग भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और जिसकी फील है गाड़ी थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, कर देते इसको नॉर्मल। और यहाँ पर की तरफ थोड़ी सी स्टोरेज देखने को मिलती है। बात करूँ आर्मरेस्ट की तो बहुत ही मैसिव स्टोरेज इसमें देखने को मिलती है, काफ़ी डीप है, कुछ भी चीज़ आप आराम से रख सकते हो। अब आ जाते इसके स्टेयरिंग के साइड, तो ऐसा कुछ है इसका स्टेयरिंग, काफ़ी सारे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल जिसमें आपको देखने को मिलते हैं। ये कंट्रोल होता है आपकी स्क्रीन के लिए इंफोटेनमेंट, और यहाँ पर वाला जो होता है वो आपका MID को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो ऐसी कुछ है ये कार। सबसे बेस्ट चीज़ है ये हाइट, आप ये कार में बैठ के आपको एक फ़ील होता है कि आप एक बहुत अच्छी हाइट पर बैठे हो, क्योंकि हाइट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जैसे देख सकते हो आप कार स्टार्ट है, AC भी ऑन है, फिर भी कोई भी एक्सटर्नल नॉइस नहीं है कार में, क्योंकि प्री ओन कार है। हमारा मकसद ही ये होता है कि आपको हम क्वालिटी दिखा सके गाड़ी की। तो ऐसी कुछ है ये कार आगे से, चलिए चलते अब गाड़ी के पीछे, पीछे से आपको बताता हूँ। चलिए गाड़ी के पीछे लेफ्ट डोर से स्टार्ट करूँगा। ऐसी कुछ इसकी लेफ्ट डोर की कंडीशन, ब्राउन एंड ब्लैक फिनिश में इसका आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत क्रोम ब्रश फिनिश। और बात करूँ सीट्स की,
तो बिल्कुल ही चमचमाती हुई नीट एंड क्लीन कंडीशन में, क्या पता आपके कैमरे में आ रहा होगा या नहीं, बट बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में। बात करूँ मेरे लेग रूम की तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, देख सकते हो आप, मैं इवन पैर स्ट्रेट करके भी बैठ सकता हूँ। और हेडरूम देखोगे तो बहुत ही अच्छा है हेडरूम। यहाँ पर जो एक कटिंग देखने को मिलती है जिससे कि और भी हाइट का बंदा इजीली कंफर्टेबली बैठ सकता है। नीचे की तरफ सेंटर में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिलता है और यहाँ पर सफिशेंट से स्टोरेज, और ऊपर की तरफ भी आपको क्लाइमेट्रॉनिक एसी का ऑप्शन मिलता है, आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और आर्म रेस्ट की बात करूँ तो ऐसा कुछ है इसका आर्म रेस्ट, यहाँ पर दो कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी कुछ है ये कार। अब आपको पीछे की सीट भी यहीं से दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ होती है इसकी थर्ड रो सीट्स, आराम से इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हो कोई भी। तो ऐसी कुछ है ये कार अंदर से। अब चलते हैं बाहर, बताता हूँ आपको इसकी डिटेल और प्राइस। तो गाइस बता देता हूँ इसकी भी आपको डिटेल्स, टोयोटा फॉर्च्यूनर है, 2017 रजिस्ट्रेशन मॉडल है। बात करूँ इसके किलोमीटर ड्रिवन की तो सिर्फ और सिर्फ 41,000 किलोमीटर ड्रिवन है और महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन है। डीजल वेरिएंट में है ये कार और जो प्राइस पोर्ट कर रहे कार के लिए वो है सिर्फ और सिर्फ 28,25,000 विच इज़ ऑल्सो नेगोशिएबल। तो आप में से जो कोई भी इस कार में इंटरेस्टेड है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, फटाफट से कॉल करके डील क्रैक कर लेना, नहीं तो पता ही है चली जाएगी। अगर आपको ये कार नहीं समझ में आती, आपकी कोई और कार की रिक्वायरमेंट है तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी, आप कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हो। बात करूँ लोन के रिगार्डिंग तो लोन ओनली महाराष्ट्र में अवेलेबल है, और जो मेरे भाई बाहर से देख रहे हैं उनके पास बेस्ट ऑप्शन है पर्सनल लोन का, आप पर्सनल लोन लेकर भी हमारे पास यहाँ पर कार परचेज कर सकते हो। और बात करूँ एनओसी के रिगार्डिंग, अगर कोई चाहता है कि उसको गाड़ी कोई अदर स्टेट में लेके जाना है और वो उसको उस नंबर पे नंबर ट्रांसफ़र करना है तो एनओसी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, बाकी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो आपको पेड करना होगा। तो गाइस ये थी आज की, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इंस्टाग्राम हैंडल आपके सामने आ रहा है, फॉलो भी कर लेना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.